स्थानिकांना शेकडोंच्या संख्येने रोजगार देणारा भव्य फार्म हाउस प्रकल्प सासोलीत सुरू केलाय. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जमिनी खरेदी खताने खरेदी केलेल्या असतानाही केवळ 4-5 लोकांच्या स्वार्थासाठी या संपूर्ण प्रकल्पालाच बदनाम करत आहेत असा आरोप द ओरिजिनचे एमडी अंकिल कंसल यांनी केलाय. लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची या संदर्भात भेट घेऊन बाजू मांडणार असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. पाहूयात या प्रोजेक्ट बाबत प्रकल्पांच्या एमडींचं म्हणणं. हम लोगों ने सासोली में जमीन खरीदी फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और जमीन प्रॉपर खरीदी खत करके 7-12 करके सारा डॉक्यूमेंटेशन जैसा गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से चाहिए होता है वैसा करके सारा का सारा खरीदी खत करा दिया. और हमें जिन लोगों ने जमीन बेची उन्होंने परमिशन दिया वो जमीन का. बार बार बात ये की जा रही है कि हम विलेजर्स के साथ गलत कर रहे हैं. हमने जो ज़मीन खरीदी वो ज़्यादातर बंजर जमीन थी जहाँ पे ना कोई खेती हो रही थी, ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई कैशियो फार्मिंग है. जिस प्लॉट पे आप लोग सब बैठे हुए हैं वो भी आज की डेट में आप एक साल पहले एब्सोल्युटली बंजर जमीन थी जिसको आज हमने डेवलप करके तैयार कर दिया. आज मेजॉरिटी लैंड हमने विलेजर्स से एक्वायर करी और उन लोगों को पैसे दिए और जो बंजर जमीन जिस उनके काम की नहीं थी तो उसका उन्होंने रिलाइजेशन करा. हाउएवर आज की डेट में हमारे ज़मीन खरीदने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट चालू हुआ, उसकी वजह से यहाँ के ज़मीन की रेट भी बढ़ रहा है और उसके लिए हमें ब्लेम किया जा रहा है. हम बाहर वाले हैं बट एम्प्लॉयमेंट तो लोकल्स को जा रहा है. आप कहाँ से सिर्फ ये ब्लेम करते रहना कि हम बाहर वाले हैं और सिर्फ हमारा इंटरेस्ट फंस रहा है तो ये गलत होगा. अब प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा हो सकता था बट कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से कुछ विलेजर्स जैसे मनोज गवर, महेश ठाकुर और उनको कुछ लोकल पॉलिटिशियंस आर पुशिंग देम और प्रोडिंग देम कि वो इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाएं जिससे हमारे से एक्सटॉर्शन की जा सके. और उसको कट अक्रॉस करने के लिए हमने बिल्कुल मना कर दिया, हम कोई पैसा नहीं देंगे और हमें अपने सही तरीके से चलना है. पूरे मुद्दे में कोई मुद्दा नहीं है. अगर ये फमाहिक लैंड है, हमेशा से गांव वालों ने ये मुद्दा रखा है कि आपने ज़मीन पे ज़्यादा कब्जा करा हुआ है, उसको सर्टिफाई करने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप उसकी गवर्नमेंट से मेजरमेंट करवा दें. तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट सर्वे रिक्वेस्ट किया जो खुद रोक दिया गया. अगर गवर्नमेंट सर्वे होने दिया जाता तो जो गांव वाले कहते हैं कि हमने ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा किया है या हम लोग उनकी दिक्कत देते हैं तो वो अपने आप बात ख़त्म हो जाती. वो गवर्नमेंट सर्वे क्यों रोका जा रहा है? गवर्नमेंट सर्वे रोका जा रहा है मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने देना चाहते. तो अगर गवर्नमेंट सर्वे हो जाएगा गांव वालों की ज़मीन अलग हो जाएगी, हमारी ज़मीन अलग हो जाएगी, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी. तो इस चीज़ को रोक के हमारे को समझ में नहीं आ रहा किसको फ़ायदा मिल रहा है. हाँ मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा हमारी बात डेफिनेटली सुनी नहीं गई, गार्जियन मिनिस्टर तक हमारी बात नहीं पहुंची. हम कोशिश करेंगे अपनी बात उन तक भी पहुंचाएं और मैं विनती करूंगा सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, हमारे एमपी साहब राणे जी या एमएलए साहब केफरकर साहब से इन सबको मिलूंगा मैं कि इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए. वरना जो एक प्रॉब्लम छोटी है उसको आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो आउट कर रहे हैं कुछ लोग और इसमें कहीं ना कहीं जो सिंधुदुर्ग में डेवलपमेंट हो सकता है उसमें भी विघ्न पड़ेगा और गलत मैसेज जाएगा इन्वेस्टर्स को इस जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए. तो मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इसको आप जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं सब उस पर ध्यान दें और हमारी हेल्प करें इस मैटर को सॉल्व करने के लिए. हिंदी में भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया या जो उन्होंने बात बोली
तो हमने उसको कन्वर्ट करा के पूरा समझा। तो मेरी बस इतनी सी दरख्वास्त थी गार्डियन मिनिस्टर, हमें इस मुद्दे को मनोज गवस की बात सुनने के बाद वो ये कहते कि आप अपना पक्ष रख दीजिए, और उनको हमारा पक्ष सुनने के बाद हम फिर वो कुछ करते तो मैं कभी उनको ऑब्जेक्ट नहीं करता। बट प्रॉब्लम क्या है, लोकल पॉलिटिशियन ने उनको गलत फीड दिया मिनिस्टर साहब को। अब जो उनके करीबी होगा उनका फीड सुन के ही वो रिएक्ट करेंगे, तो उन्होंने वो ऐसा रिएक्ट किया। देखिए, एक चीज को बोल देना इलीगल है, इलीगल है तो आप केस करो, विलेजर्स ने केस डाला तो है लीगल कोर्ट में। देर आर जो प्रोसेस पे एक एनए एक्वायर करना चाहिए था वो प्रोसेस पे एक्वायर किया गया। मतलब अब वही वाली बात है, हवाबाजी में बातें बोल दी जाती हैं। ये बोला गया कि कंपनी को एनए एक दिन में मिल गया, आई डोंट नो आपने सुना या नहीं सुना, मैंने स्टेटमेंट में देखा था। पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिस दिन एप्लीकेशन लगाई और जिस दिन मिला उसमें तकरीबन 3 महीने का डिस्टेंस है, तो वो एक दिन कहाँ से हो सकता है। अब कोई ये कह दे कि एक दिन में एनए मिल गया, तो ये भी कह दे एनए इलीगल है, तो मैं कैसे बोलने का कोई तथ्य नहीं है। अगर वो इलीगल है तो आप चैलेंज करो उसको, खारिज करो आप। अगर खारिज करेंगे वी विल हैव अ लीगल परफ्यूम। सरकार ने हम पे पैसा जमा करके हमारे को एनए करके दिए जमीन, और एफ पर प्रोसेस करके दिए। वही वाली बात आ रही है, आज हम कह रहे हैं कि दी वर टेक्निकल सिचुएशन, हो सकता है आपको उतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। उनको को किसी ने बोला कि ये इलीगल है, तो उन्होंने इतनी डेप में घुसे नहीं। मैं अभी आया हूँ, मैं इनफैक्ट अब सब लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, सब लोगों को एंड इंक्लूडिंग मैं गार्जियन मिनिस्टर साहब को भी अप्रोच करूँगा अपॉइंटमेंट के लिए, कि हमारा पक्ष सुनिए और फिर जो आपको सही लगे फिर वो एक्शन लेंगे, बट पक्ष जरूर सुनिए हमारा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सॅटेलाइटचं यूट्यूब चॅनल।